नमस्कार, मैं हूं चौधरी और आप देख रहे चले जाइए, नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुए विवाद में ट्रैफिक पुलिस को गाली गलौज करने वाले युवक ने महज 24 घंटे के अंदर माफी मांगी है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मुरंड पुलिस ने जतिन सत्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है, जिसके बाद युवक द्वारा माफी मांगते हुए उसका वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि गुरुवार को मुलुंड के आरआर रोड पर ट्रैफिक पुलिस के साथ युवक का विवाद हुआ था। युवक ने ट्रैफिक पुलिस को गाली देते हुए कहा था कि कोई नेता या मंत्री की नो पार्किंग से गाड़ी नहीं निकालते हैं और ना ही उनकी फोटो निकालते। युवक की इस बात को लेकर काफी विवाद हो गया था, जिसके बाद युवक के खिलाफ मामला दर्ज होने पर उसने 24 घंटे के अंदर ट्रैफिक पुलिस से माफी मांगी। देखिए ये वीडियो। मैं जतिन प्रेमजी सत्रा, मुलुंड का रहवासी। आज जो घटना बनी मुलुंड आरआरटी रोड पे, मैंने पुलिस के ट्रैफिक सर के साथ जो आज बदसलूकी की, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। और जो पुलिस, मुंबई पुलिस आज जो फ्रंट लाइन में काम कर रही है, मैं उनको सल्यूट करता हूँ। और जो भी सर को जितना खराब लगा हो, उनको मैं तहे दिल से फिर से माफी मांगता हूँ। तो ये थी आज की हमारी खास खबर। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए अच्छा।